अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किरण कंप्यूटर। तो आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि लैपटॉप में दूसरी हार्ड कैसे चलाई जाती है। तो अक्सर लोग हमारे पास, कस्टमर जो आते हैं हमारे पास, तो कहते हैं कि हमारे पास एक लैपटॉप में हार्ड लगी हुई है तो उसको हम दूसरी हार्ड लगाना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको दूसरी हार्ड लगाने का तरीका बताता हूँ। या कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं हमारे पास जो SSD लगाई हुई होती है विंडो के लिए, विंडो करने के लिए, और कहते हैं कि हमें दूसरी हार्ड लगानी, हम दूसरी हार्ड लगाना चाहते हैं ताकि हम डाटा उसमें सेव कर सकें। तो आइए मैं आज आपको एक आसान तरीका बताता हूँ लैपटॉप में दूसरी हार्ड लगाने का। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, दबा दीजिएगा, प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो आइए हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लैपटॉप है। सबसे पहले हमने लैपटॉप की बैटरी को निकाल लेना है। ये इसके बटन दिए हुए हैं, इसके लॉक हैं इसकी। ये हमारी लॉक से बाहर निकल चुकी है बैटरी। तो दोस्तों ये मेरे पास है लैपटॉप, HP का है, सेकंड जनरेशन है, i5 है। तो ये इसका बॉक्स है, ये इसकी लॉक लगी होती है, ये बटन है इसका, ये लॉक ऐसे दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने दोस्तों ये करना है कि मार्केट में ये अवेलेबल होता है कैंडी, सेकंड हार्ड कैंडी। ये हार्ड डिस्क को लगाने का आसान तरीका है और हार्ड डिस्क सेफ भी रहती है हमारी, हार्ड डिस्क ख़राब भी नहीं होती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये हार्ड किस तरीके से लगाई जाती है। सबसे पहले ये देखें दोस्तों ये देखें कि DVD रूम का एक पेज लगा हुआ है, हमें पेज को खोलना है अच्छे तरीके से। ये हमारा पेज खुल गया है यहाँ से, ये इसकी लॉक लगी हुई है, हम इसको जोर देंगे, प्रेस करेंगे तो ये हमारा रूम देखें बाहर आ गया है। ये यहाँ से हम पकड़ेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे हम। तो फिर इसको भी हमने खोलना है, इसमें एक सुई लगानी है, ये देखें हमने इसमें सुई लगानी है ताकि ये हमारा रूम खुला है, बाहर निकला है ये क्लिप इसका, ताकि हम दूसरी हार्ड को एडजस्ट करते वक्त उसमें लगा सकें इसको। हम ऐसे भी इसको बाहर निकाल सकते हैं जैसे हमारा रूम लगा हुआ था, हम इसको लगा लेते हैं फिर दोबारा से। आप इसमें बैटरी भी लगा सकें, इसका टापा बंद कर दें, इसको ढक्कन बंद कर दें तो इसकी बैटरी लगा लें। बैटरी लगाने के बाद हम इसको आसान तरीके से सुई ना भी लगाएं, उस लैपटॉप को ऑन कर लें यहाँ से। लैपटॉप हमारा जब जैसे ऑन होगा तो हम इसकी बैटरी निकाल लेते हैं। तो ये हम लैपटॉप को ऑन करके ये रूम को बाहर निकाल लेते हैं। लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है, ये रूम भी हमारा बाहर आ गया है। तो हम इसको अब बंद कर देते हैं, बैटरी इसकी निकाल लेते हैं। ये हमारी बैटरी बाहर आ गई, ये हमारा इसका ढक्कन खुल गया, ये पहले हमने पेज खोला हुआ था तो इसको लॉक को जोर देंगे ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमने ख्याल करना है कि यहाँ से इसके क्लिप लगे हुए हैं, ये देखें ये क्लिप खोलेंगे इसके रूम के क्लिप खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ये ढक्कन बाहर आ जाएगा। ये देखें दोस्तों हमारी ये लॉक थी, ये इस लॉक को खोल लेते हैं, यहाँ से इस लॉक को खोल लेते हैं, ये हमारा ढक्कन इसका जो था बाहर, ये रूम का हमारा हमने खोल लिया है, बाहर निकला है आसानी से। और हम मार्केट में अवेलेबल होती है ये कैंडी, तो इसको हम खोलते हैं। इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है हमने। ये देखें ये हार्ड डिस्क की बनाई हुई है कैंडी है, इसको कैंडी बोलते हैं, साटा में है। तो इसका पेशकश भी साथ में दिया है, स्क्रू भी साथ में दिया है, ये इसका ये भी बाहर साथ में दिया है, ताकि ये हम नहीं लगाएंगे, ताकि हमें यहाँ से ये लैपटॉप को जब लगाएं तो ये बुरी लगेगी यहाँ से। हमने इसलिए ये उतारी है ताकि हम यहाँ इसको एडजस्ट कर सकें। तो मैं आपको एडजस्ट करने का तरीका भी बताता हूँ, इसमें हार्ड डिस्क लगा के आपको बताता हूँ। ये हमारी 160 GB हार्ड डिस्क है, WD की, साटा की है। ये देखें ये भी साटा, ये रूम का जैसे हमने खोला निकाला है, ऑप्शन लगा हुआ है इसमें, ये भी ऐसे भी लगा हुआ है इस तरह से। तो इसमें ये ऑप्शन है हार्ड लगाने का, साटा की हार्ड है ये, इसमें हम हार्ड एडजस्ट करते हैं, इसके बराबर क्लिप चेक कर लेने हैं।
ताकि ये कहीं टूट ना जाए हमारे क्लिप। यहाँ से थोड़ा ज़ोर देंगे तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, ये हमारी हार्ड डिस्क जो थी एडजस्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमने अब स्क्रू टाइट कर लेना है ताकि हमारी हार्ड हिले ना। यहाँ से स्क्रू भी हार्ड कैंडी के साथ दिए हुए हैं इन्होंने। ये हैं इसके पेच, तो मैं आपको पेच लगा के दिखाता हूँ। अब ये एक आसान तरीका है लैपटॉप की हार्ड डिस्क बढ़ाने का। ये आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में एक हार्ड एडजस्ट लगी हुई है हार्ड डिस्क। ये फर्स्ट हार्ड डिस्क है, ये लगाई हुई है। ये मिसाल के तौर पे कम होती है या इसमें विंडो के लिए SSD भी लगाते हैं लोग। जैसे इसमें SSD लगाएंगे तो आपकी हार्ड जो है वो कम हो जाएगी। 128 GB का रेट भी तकरीबन 3000 रुपये है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि उसी कीमत में हमें यह भी मार्केट में अवेलेबल मिल सकती है, सस्ती मिल सकती है। तकरीबन ये है वो 128 GB आपको 3000 रुपये की पड़ेगी और 160 GB जो है ये आपको 1200 की पड़ेगी। तो लोग ऐसा करते हैं SSD को वो SSD जो है फर्स्ट में लगा देते हैं विंडो के लिए, तो उसके बाद ये कैंडी खरीद में आप कैंडी खरीद के ये आप हार्ड एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसको हम स्क्रू लगा लेते हैं यहाँ पे। ये हमने स्क्रू इसके टाइट कर दिए हैं। आप 1000 GB तक यूज़ कर सकते हैं, 2000 GB यूज़ करते हैं, जितना चाहे आप यूज़ करें। इस कैंडी में सपोर्टेड होती है कैंडी, इसमें आप हार्ड जितना भी लगाएं लगा सकते हैं और चला सकते हैं। तो ये जो हमने DVD रूम का निकाला था, तो ये हम उसी तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं इसको। सबसे पहले ये ध्यान करना है हमने इस रूम, जो रूम हमने निकाला था लैपटॉप का, ये इसकी ये चीज़ जो है ये खोल लेनी है हमने, ताकि हम वहाँ जो लगाएं तो फिर बोर्ड में एडजस्टमेंट जब हो तो ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए और हिले ना, ये चलती रहे हार्ड डिस्क। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ एक आसान तरीका है। ये देखें इसको एडजस्ट करते हैं हम यहाँ पे लगा के, ताकि हम रूम को उसी जगह पे फिट कर सकें इस कैंडी को। ये मैं फिट करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ये पेच स्क्रू यहाँ पे टाइट कर दें आप। ये जो हमारी हार्ड डिस्क है, ये हमारी आप दूसरी हार्ड डिस्क तैयार हो चुकी है। हम इसको ये एडजस्ट करते हैं इसमें जैसे उसको खोला हुआ था। तो इसकी लाकें भी वैसी बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप कैंडी में। इसी यहाँ पे रख के इसको बिल्कुल टाइट कर दें आप। वो लॉक हमारी लग नहीं रही थी, तो ये लॉक हम लगाते हैं इसको के बाहर से ये फिट हो जाए। ये हमारी फिट हो, एडजस्टमेंट हो चुकी है। ये देखें आप, वो लॉक लाजमी नहीं है कि हम वो लॉक लगाएं, हम ये लॉक भी लगा सकते हैं इसको। दोस्तों हमारी जो हार्ड डिस्क थी, हम हार्ड डिस्क को कैंडी में लगाया है, तो उसके बाद हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं बोर्ड के अंदर। ये बोर्ड में लग चुकी है, बिल्कुल फिट आ चुकी है। तो ये जो थी हमारी क्लिप, इसको एडजस्ट करते हैं। तो आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगा के चेक करते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क चली है कि नहीं चली है। ये एक आसान तरीका है, मार्केट से आप कैंडी खरीद सकते हैं, हर जगह आम है, अवेलेबल है, ये मिल सकती है हमें मार्केट में। ये चार्जर लगाते हैं लैपटॉप को। ये लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। दूसरी हार्ड हमारी चलेगी तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। विंडो 10 है इसमें,
ये एक आसान तरीका है लैपटॉप में दूसरी हार्ड एडजस्टमेंट करने का। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपको फ़ायदा पहुंच सके। ये एक आसान तरीका आपको मैंने बताया है। तो लैपटॉप के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल में लगी हुई चैनल में दी हुई है मैंने, तो चैनल को देखा करें, पूरी वीडियो वाच किया करें आप। ये देखें, हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। लैपटॉप i5 है, कोर i5 है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी हार्ड हमने जो एडजस्ट की है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। ये देखें, ये दो हार्ड इसके आ चुकी हैं। इसकी एक की 3 पार्टीशन थी, इसकी एक की 4 पार्टीशन है। एक इसमें लगी हुई 250 GB और दूसरी लगाई है हमने 160 GB। 160 GB जो है ये हमारी शो कर रही है। विंडो 10 थी 160 GB में, ये विंडो 10 शो कर रहा है। ये इसकी पार्टीशन है और ये भी इसकी पार्टीशन है। और ये जो 3 पार्टीशन है, ये दूसरी 320 है या शायद 500 GB है। हाँ, 500 GB लगी हुई है, ये दूसरी 500 GB है और पहले वाली 160 जो हमने एडजस्ट की है वो है इसमें 160 GB। तो दोस्तों, मेरे चैनल को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि दूसरी लैपटॉप में हार्ड डिस्क कैसे एडजस्ट की जा सकती है। तो ये एक आसान तरीका मैंने आपको दिया है। सेकंड हार्ड डिस्क कैंडी, ये कैंडी है, मार्केट से अवेलेबल है। मार्केट में 600-700 का भी मिल जाता है। तो ये लगाकर हम दूसरी हार्ड डिस्क चला सकते हैं लैपटॉप की और हम डाटा सेव कर सकते हैं इसमें। तो आखिर में आपको मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं नई वीडियो, जब नई वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।